रसीद कटने पर हो गया कि अब रसीद ऑनलाइन ही कटेगा, लेकिन जिन लोगों का जमानती ऑनलाइन नहीं है उनका रसीद कटने की कैसी व्यवस्था? राशन कार्ड का मुद्दा हो, राशन कार्ड का भी दिए हैं, हाँ समय पर राशन कार्ड बने, बहुत अनियमितता होता है, 2,500 रुपया लिया जा रहा है। कौन जमाना में बताइए, खाने खाने के लिए मर रहे हो। क्या कहें, हम लोग तो इतना भटके कहाँ गए, यहाँ आए हॉस्पिटल में आँख बनवाने, वहाँ आँख खराब हो गया, फिर मेडिकल में ले गया पकड़ के लोग, मेडिकल में भी नहीं इलाज हुआ, तो फिर गया पटना, पटना 10 दिन रहे हैं, वहाँ से चले आया, आँख चू रहा था, डॉक्टर कहता गया कि अखी बचा हुआ है, गोली बचा हुआ है, जाइए जाइए जाइए, गोली बचा हुआ है। हम लोग चले आए घर से, गरीब आदमी का कौन पूछता है जमाना में, बताइए खाने खाने के लिए मर रहे हो। ये आँख कहाँ बनवाए थे, ये अखोड़वा हॉस्पिटल में? नहीं, यही जूनन छपराई हॉस्पिटल में। अच्छा, कितना दिन हो गया हम भटकते हैं, अभी कोई मुआवजा हम लोग का नहीं मिला। गरीब डीएम साहब को आवेदन दिए हैं, क्या कुछ बताए हैं समस्या के बारे में? अभी तो दिए हैं, अब क्या बताएंगे, ना करेंगे होगा तो वही ना जानेंगे। आपका मांग क्या है? आप मांग तो हमको देखते कहते हैं जो हमको कम से कम राहत चाहिए, और जो राशि मिला है ना, जो राशि मिला है मुआवजा वाला, वो राशि इनको चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिला है, और इनको खर्चा भी बहुत हो गया, कोई दलाल वाला के चक्कर में पड़ के इनको खर्चा भी कितना है आप? हम पंचायत समिति हुए मनका बिशुनपुर चांद के पंचायत जी, मेरे ही क्षेत्र के हैं पंचायत। क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं इनका जो मुआवजा है, हम गए देखने क्षेत्र में गए तो बताएं, आप भी थी पूरा कहानी सुना, कहें कि हमारा आँख का ऑपरेशन हुआ, इनको देखने गए थे, आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो बोले कि आँख का ऑपरेशन, मेरा दोनों आँख चला गया, अभी तक मुआवजा का राशि नहीं मिला है, और कोई दलाल कोई पैसा इनसे भी ले लिया, गरीब आदमी है, अपना सब सामान वामान बेच के दलाल को पैसा मुहैया कराया, जेवर जरा सब बेचाबाज के किए हैं, इनका स्थिति अभी यह हो गया है, इनका खाने के लिए अभी नहीं है, आँख रहता था कुछ कमा के भी कर लेते थे, लेकिन अब आँख ही इनका चला गया, नैने ही चला गया वो, और इधर उधर हो रहे, तो हम इनको लेकर डीएम साहब के नज़दीक आवेदन दिवाएँ, डीएम साहब आश्वासन दिए कि ना अभी तो बहुत विलम्ब हुआ है, लेकिन इस पर वो ले लिया है आवेदन, और बोले कि हम इस पर कार्रवाई करते हैं, वो देखवाते हैं इनका मुआवजा मिल जाए। हम लोग यही मांग है कि इनका गरीब आदमी है, इनको मुआवजा मिल जाए, जो सरकार की तरफ से हुआ, अब तो आँख नहीं आ सकता है, लेकिन मुआवजा तो मिल सकता है इनको, यही है बात। राशन कार्ड का मुद्दा हो, राशन कार्ड का भी दिए हैं, हाँ समय पर राशन कार्ड बने, बहुत अनियमितता होता है, 2,500 रुपया लिया जा रहा है, इस पर भी दिए डीएम साहब, मेरा महादलित का बस्ती है कहाँ से देगा, राशन कार्ड में 1,500-2,000 रुपये मांग रहे हैं, न 1,500 रुपया 2,000 रुपया होगा, न कभी राशन कार्ड उनका बनेगा, सब समस्या लेकर डीएम साहब को दिए हैं, आश्वासन दिए हैं कि हाँ इस पर सब कार्रवाई की जाएगी और समस्या का मांग पूरा किया जाएगा। डीएम साहब के समक्ष में पहले भी इस तरह की सारी समस्या रखे गई है, इससे पहले भी रखे हुए हैं? नहीं, आज पहला बार रखे हैं, अब क्षेत्र में जीत के गए हैं तो देखिए समस्या सबका रूबरू, क्षेत्र के इलेक्शन के समय भी देखे सब बता रहे कि हमको 2,000 लग रहा है ना 1,500, तो वो तो 100 रुपया का रोज़ कमेवे कर वो अपना जीवन यापन करेगा, ना 1,500 रुपया उनको होगा ना राशन कार्ड उनका बनेगा, तो सब दिन वो महादलित बस्ती में राशन कार्ड बनेगा ही नहीं। राशन कार्ड आपके अथी में पंचायत में नहीं? नहीं, बहुत का बचा हुआ है राशन कार्ड, बहुत का राशन कार्ड भी मेरे पंचायत में अभी बचा हुआ है, और गरीब आदमी है, रहने का घर नहीं है, तो कहाँ से 1,500 रुपये का राशन कार्ड बनेगा, बहुत समस्या है। राशन कार्ड जो बनता है वहाँ पे बनवाने जाते हैं, क्या कुछ कहता है? नहीं बन पाता है, ऑनलाइन करवाते जमा होता है, लेकिन नहीं बन पाता है। क्या कारण क्या हो सकता है? कारण है जो समझ ही रहे, कारण क्या होगा, नहीं बनेगा, सबका बना नहीं बन पाता है, कारण तो सब बात को अवगत कराए दिए साहब, प्रमुख जी के माध्यम से उनको अवगत कराया गया, सारी समस्या पंचायत में जो समस्या है, लाइन से लेकर राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो इंदिरा आवास, जितना समस्या है, मनरेगा नरेगा सब को लेकर डीएम साहब से अवगत कराया गया है, डीएम साहब बोले आश्वासन दिया कि हाँ ठीक, सब पर ध्यान दिया जाएगा। क्या परिचय है अपना? मैं मनका बिशुनपुर चांद का पंचायत समिति हूँ, अभिषेक कुमार मेरा नाम हुआ। एईएस को लेके ही शिक्षा विभाग के माध्यम से 6 प्रखंडों में प्रत्येक बुधवार को दूध वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, उसकी शुरुआत आज की गई, क्योंकि हमारे एईएस से प्रभावित प्रखंड है, उन सभी प्रखंडों में प्रत्येक बुधवार को शिक्षा विभाग के सौजन्य से
18 ग्राम दूध दिया जाना है, जिसमें पानी मिला करके दूध बनाकर दिया जाता है, सुधा मिल्क पाउडर वो आज देने की शुरुआत की है और सभी प्रखंडों में शुरुआत आ चुकी है, सारी चीज़ें हो रही हैं। सर एक मामला अतिक्रमण की आ रही है काफ़ी वर्षों से यहाँ अतिक्रमण, अभी तो अंचल का हमने शुरू ही कहाँ किया, अभी तो हम AES बता रहे थे, अभी हम शिक्षा बता रहे थे, अंचल की बात अतिक्रमण पूछ लीजिएगा। अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया और अंचल सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से देखिए तो हमारा ऑफिस होता है, जो हमारे पब्लिक वेलफेयर की जितनी भी चीज़ें हैं, लोगों को जितने भी सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो आवास प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, आचरण प्रमाण पत्र हो, जाति आवासीय हो, दाखिल खारिज हो, भू अतिक्रमण का मामला हो, नापी का मामला हो, ये सारी चीज़ें अंचल के माध्यम से दी जाती हैं। तो अंचलों का निरीक्षण आप सभी जान रहे हैं कि एक साथ सभी जगह कराया जा रहा है, इस क्रम में आज अंचल मुशहरी का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और हम लोगों ने देखा कि जो म्यूटेशन के आवेदन आ रहे हैं, उन म्यूटेशन के आवेदन में समय से स्वीकृत अस्वीकृत होना चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल्स हैं, उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और डायरेक्शन दिया गया है कि यथासंभव ससमय इन चीज़ों का निष्पादन किया जाए, क्योंकि जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो सर्विसेज समय पर मिले तो सबसे बेहतर स्थिति होगी। तो जो भी लेट हो रहा है दाखिल खारिज करने में, उसके लिए डायरेक्शन दिया गया है कि ससमय दाखिल खारिज किया जाए, ससमय शुद्धि पत्र निर्गत किया जाए। और इसके अतिरिक्त मैंने अभिलेखों का भी निरीक्षण किया कि किन कारणों से अभिलेखों को अस्वीकृत, दाखिल खारिज के अभिलेखों को अस्वीकृत किया गया है, तो लगभग जेन्युइन कारण पाए गए, तथापि यह डायरेक्शन दिया गया कि किसी भी अनावश्यक कारण को लेकर के दाखिल खारिज के आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाए। ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त PGRO को लेकर के PGR के जो मामले होते हैं, पब्लिक ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन है, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम है, उसके अंतर्गत जितने भी मामले इस अंचल से हैं, उनमें शीघ्रता से और त्वरित गति से काम करने का निर्देश दिया गया है। और परिमार्जन का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, परिमार्जन में है कि हम लोग सभी जितने भी हमारे रैयत हैं, सभी का जो डेटा है, जो ज़मीन का डेटा है, वो ऑनलाइन हो जाए, और यदि कहीं अशुद्धि है तो परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से संशोधन करा सकते हैं, तो उसके सभी आवेदनों को ससमय सही तरीके से निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त LPC का काफ़ी यहाँ टाइमली LPC के सारे मामले ससमय निष्पादित किए कर दिए गए हैं। हम लोगों ने जो ऑपरेशन भूमि दखल देहाने है, जो जिन लोगों को जमीन अलॉट की गई है, वो जमीन पर काबिज है कि नहीं, इसकी भी जांच की गई है, और वैसे सभी मामले जहां पे अभी भी काबिज नहीं है, तो वैसे मामले बताए गए, अधिकांश वैसे मामले हैं जो किसी न किसी कोर्ट से आच्छादित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त सभी मामलों को निर्देश दिया गया कि तुरंत इसको ठीक करें। भू माफी के मामले भी कुछ हम लोगों ने देखे हैं, उसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ मामले तुरंत निष्पादित कर दिए गए हैं, कुछ मामलों में विलंब किया गया है, तो उसके लिए कठोर निर्देश दिया गया है कि ससमय सभी मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें। सर बास्केट पर्चाधारियों का मामला है, जो 24 तारीख को आपसे सर मिले भी थे, मुसहरी के कोठिया का मामला है, वो लोग अभी आपसे मिलने के लिए आए भी हुए, उसका मामला दोनों पक्ष से भूमि विवाद है, जमीन भी बिक गया और पर्चा मिला लेकिन कब्जा नहीं मिला, छोटी कोठिया बड़ी कोठिया मिल लेंगे, अभी मिल के हम लोग सारी बातों से आए हैं तो डिस्पोजल करके समझ के जाएंगे क्या समस्या है, समस्या निराकरण करने योग्य होगी तो निराकरण हम लोग कर देंगे, लेकिन जैसा आप स्वयं बता रहे हैं कि जमीन बिक्री हो गई है, इसका मतलब कुछ स्वामी बेच रहे हैं और सरकार द्वारा में पर्चा मिला होगा, उसको हम लोग बिल्कुल दिखवा देते हैं। पास भी पर्चा देखिए दो तरह की, आप किस तरह की जमीन की बात कर रहे हैं, सीलिंग की जमीन, वो बास्किट पर्चा फिर नहीं हुआ, बास्किट पर्चा तो नॉर्मली सीलिंग का पर्चा का मतलब हुआ वो जमीन पहले सरकार ने ले ली, सीलिंग का मतलब हुआ जो अधिशेष भूमि है वो सरकार की भूमि हो करके फिर उसको हम लोग बंदोबस्त करते हैं, तो बंदोबस्ती पर्चा है। बास्किट पर्चा दूसरा होता है, तो बास्किट पर्चा का मामला है कि बंदोबस्ती पर्चा का मामला है, उसको हम देख लेते हैं और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी बिल्कुल उसको सुनिश्चित कराया जाएगा। अंचल परिसर में जो है अतिक्रमण झोपड़ी बना के सर यहीं से दिखाई देता है सर, वो झोपड़ी बना के चल रहा है, तीन वाला बना दिया सर के द्वारा आदेश अनुसार, सर किसी कारण बस छुट्टी चले गए सीओ साहब, उसके बाद फिर वो रसीद कटने पर हो गया कि अब रसीद ऑनलाइन ही कटेगा, लेकिन जिन लोगों का जमानती ऑनलाइन नहीं है उनका रसीद कटने की कैसी व्यवस्था होगी? देखिए ये
हम लोगों का अंतिम तो यही हम लोग सोच कर चल रहे हैं कि सभी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएं, रसीद ऑनलाइन हो जाएं, पब्लिक इंटरफेस जितना कम हो उतना बढ़िया। आप घर बैठे अपने मोबाइल पर ऑनलाइन अप्लाई करिए म्यूटेशन का, रसीद का, और वहीं पे ऑटोमेटिक बैंक से पैसा डालिए, ऑटोमेटिक आपको मिल जाए, इससे बेहतर कोई व्यवस्था आसानी से कर लेता। तो वही व्यवस्था को सोचकर सारे सुधार किए जा रहे हैं, और अभी तत्काल जो आप बोल रहे हैं किसी की त्रुटि है तो उसके लिए परिमार्जन पोर्टल है। मान लीजिए हमारी ज़मीन है और हमारे जो डिजिटाइजेशन हुआ है तो हमारे नाम के आगे खाता में गलती लिखा हुआ है या खेसरा या रकबा में गलती लिखी हुई है, तो परिमार्जन पोर्टल पर हम अपना आवेदन दे सकते हैं। हम आवेदन दे देंगे साहब हमारा जो खेसरा नंबर 40 लिखा हुआ है, 40 नहीं 42 होगा, तो हम आवेदन जैसे ही देंगे और कर्मचारी जांच करके और सीईओ के माध्यम से उसको फिर ऑनलाइन ठीक कर दिया जाएगा। एक बार ठीक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका हम लोग पूरा अभी अभियान भी चला रहे हैं कि सुओमोटो, अब परिमार्जन तो हुआ है कि आप आवेदन देंगे, हम बिना आवेदन आपसे लिए भी हम लोग यह अभियान चला रहे हैं कि एक एक व्यक्ति का जो हमारे पास जो हमारी डिजिटल जमाबंदी है यदि उसमें कोई अशुद्धि है तो अपने कर्मचारी के माध्यम से एक प्रपत्र 3 होता है जिसके आधार पर उस खाता नंबर पर कितने खेसरा हैं, कितना रकबा है, सारी चीज़ें सही तरीके से उसको हम लोग अपलोड भी कर रहे हैं। ये भी निकट भविष्य में पूरा कर लेंगे तो 100% विशुद्ध जब चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी तो किसी को ना तो लगान देने में जमा ना ही म्यूटेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं। सर, एक चीज़ आपके मदद के बिना सर भी नहीं कर सकते, मुसहरी में आवेदनों की संख्या चाहे RTPS हो या ऑनलाइन जो इनका आपके अंचल का पोर्टल काफ़ी बड़ी है, और आपके यहाँ मुसहरी में आपके द्वारा स्टाफ कम किया गया है, जबकि रियली RTPS में भी स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए अंचल के कर्मियों की नियुक्ति का ऑलरेडी चल रहा है, आप लगातार सुनते भी होंगे, और कर्मचारियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति हो रही है जिसके माध्यम से काफ़ी बड़ी संख्या में कर्मचारी का पदस्थापन के निकट भविष्य में प्रस्तावित है। निश्चित रूप से तब और स्थितियाँ और जो आप लोग बता रहे हैं और बेहतर होंगी, अभी वर्कलोड डेफिनेटली है, लेकिन इसको शीघ्र ही जल्दी ही जैसे नियुक्ति पूरी हो गई है तो प्रस्थापन शीघ्र ही किया जाए। सर एक और मेरा सर आपको दिखाता है सच का आईना।